दुनिया की पांच सबसे शांत जगह है जहाँ शोर मचाती है दिल की धड़कन। नंबर एक पर अमेरिका के मिनेसोटा में फोरफील्ड लेबोरेटरीज है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया कमरा है जिसमें इंसान की धड़कने भी सुनाई देती है। नंबर दो पर इक्वाडोर में स्थित जबालो नदी के जंगल जिसको पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बनाया गया है। किसी तरह के ट्रांसपोर्ट रूट नहीं है, ना कोई रिहायशी इलाका है। नंबर तीन पर रूस में स्थित क्रोनाटस्की नेचर रिजर्व में हर साल 3000 यात्रियों को जाने के परमिशन मिलती है। रिजर्व बिना साउंड के है, यहाँ हवा चलने के भी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई पड़ती है। नंबर चार पर स्क्रीन पर दिए गए स्पेलिंग, इसे आप खुद पढ़ लीजिए, अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जानी जाती है, ये बेहद ही शांत। नंबर पांच पर है कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में आपको डरावना सन्नाटा सुनाई देगा। अंतरिक्ष की तरह समंदर भी कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसी क्रम में शोधकर्ताओं को समंदर के अंदर एक ऐसा पत्थर मिला है जिसकी सच्चाई जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि पत्थर का टुकड़ा ऑफिडियन का है। इसे नेपाल पुलिस की अंडरवाटर यूनिट ने 130 फीट की गहराई से खोजा है। ये पत्थर 400 साल पुराने जहाज के मलबे से मिला है जो इटली के कैपरी में खोजा गया है। यह अद्भुत पत्थर है जिसका इस्तेमाल लंबे समय से कटिंग टूल्स बनाने में काम आता है। इसे अक्सर स्टोन एज का काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि यह पत्थर तब बनता है जब लावा बहुत तेजी से जमता है। इस पत्थर में नकारात्मक ऊर्जा को रोकने, खींचने और बदलने की भी क्षमता होती है। फिर ढेर सारे वीडियो के लिए फॉलो कर लीजिए। दुनिया में हीरे की बहुत सी खदानें हैं जहां पे करोड़ों अरबों के हीरे निकलते हैं। हालांकि वो हीरे सिर्फ खदानों के मालिकों के ही होते हैं, लेकिन अब हीरे आप भी खोज सकते हैं। कैसे, चले जानते हैं। दरअसल अमेरिका के अरकनसास राज्य में क्रिएटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क है, जहां पर कोई भी बिना रोक टोक के आ सकता है और हीरा ढूंढ कर खुद उसका मालिक बन सकता है। खदान से अब तक 35,000 से भी अधिक हीरे मिल चुके हैं, जिसमें अंकल फैम नामक हीरा भी शामिल है जो 40.23 कैरेट का है। हालांकि इस खदान में अंदर घुसने के लिए लोगों को 1,000 रुपए का टिकट लेना पड़ता है, उसके बाद आप यहां जहां मर्जी वहां जाकर हीरे ढूंढ सकते हैं। यहां आप चाहें तो खुदाई के लिए अपने साथ औजार भी लेकर आ सकते हैं, और अगर चाहें तो $5 में खुदाई के लिए फावड़ा आदि किराए पर भी ले सकते हैं। दुनिया में जहाजों की जब भी चर्चा होती है तो टाइटैनिक का नाम जरूर आता है। टाइटैनिक अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था, लेकिन अब जहाजों की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, क्योंकि समंदर का सबसे बड़ा राजा बनकर तैयार हो गया है। इस समुद्री जहाज का नाम आइकन ऑफ द सीज है, जिसकी लंबाई 1198 फीट और वजन करीबन 2,50,800 टन बताया जा रहा है। वहीं यह इंटरनल वॉल्यूम के मामले में टाइटैनिक से भी 5 गुना बड़ा है। इसमें सबसे बड़ा वाटर पार्क भी है जिसमें कुल 6 वाटर फ्लाइट है। बता दें कि इस जहाज को रॉयल कैरिबियन नाम की कंपनी ने बनाया है। ऐसी ढेर सारी वीडियो को फॉलो कर लीजिए।